झारखंड समाचार। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज, विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र आज शुरू होने वाला है, इसे लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधायकों की बैठक बुलाई है। ये बैठक कांग्रेस भवन में होगी। बैठक में भाग लेने के लिए सभी कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों को बता दिया गया है। बैठक में जन मुद्दों के साथ योजनाएं कैसे आम आदमी तक पहुंचाई जाए, इस पर भी बैठक में होगी चर्चा। इसके अलावा उपचुनाव को लेकर भी बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। गोड्डा से ग्वालियर स्कूटी से गए थे, फ्लाइट से रांची लौटे धनंजय मांझी और सोनी हेम्ब्रम, मददगारों को कहा धन्यवाद। गोड्डा के रहने वाले धनंजय मांझी और अपनी पत्नी सोनी हेम्ब्रम के साथ रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। अपने संघर्ष की बदौलत साधारण से सेलिब्रिटी बने इस दंपति ने रांची लौटने के बाद मददगारों को धन्यवाद दिया, साथ ही मीडिया के साथ अपनी पूरी कहानी साझा की। धनंजय ने बताया कि वे खुद भले ही 8वीं कक्षा तक ही पढ़े हैं, लेकिन जीवन में शिक्षा का महत्व समझते हैं। गोड्डा से ग्वालियर तक दोपहिया वाहन से सफर करने के पीछे उन्होंने कहा कि कोरोना में आर्थिक तंगी की वजह से प्राइवेट गाड़ी करना संभव नहीं था। झारखंड से कुपोषण दूर भगाएगी दीदी बाड़ी योजना, सभी जिले के डीसी डीडीसी को मिला निर्देश। झारखंड के ग्रामीण और गरीब परिवारों को पोषण युक्त भोजन मिले, इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग झारखंड ने मनरेगा के तहत पूरे राज्य में दीदी बाड़ी योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने राज्य के सभी डीसी और डीडीसी को पत्र लिखा है। इसके तहत अपने घर के आसपास की जमीन में अपने परिवार के पोषण की आवश्यकता के अनुसार 1 से 5 डिसीमल जमीन पर पोषण युक्त सब्जियां समेत अन्य फसलों का उत्पादन करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को पोषण युक्त भोजन की जरूरत पूरी हो सके। योजना के क्रियान्वयन में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का भी सहयोग दिया जाएगा। डिजिटल पेमेंट के लिए फुटपाथ दुकानों का बन रहा है स्मार्ट कार्ड। फुटपाथ दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने की नीयत से पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10,000 रुपये ऋण देने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत नगर निगम ने 313 दुकानदारों को लोन दे दिया है। कुल 1900 दुकानदारों को लोन मिलेगा। इतने दुकानदारों को लोन देने के चलते धनबाद राज्य में पहले नंबर पर है। योजना का अहम पहलू यह है कि फुटपाथ दुकानदार यदि डिजिटल पेमेंट करते हैं तो उन्हें ब्याज में छूट व कैशबैक की सुविधा मिलेगा। इसको प्रभावी बनाने के लिए बुधवार को नगर निगम में विशेष कैंप लगाकर दुकानदारों का स्मार्ट कार्ड बनाया गया, ताकि डिजिटल पेमेंट में दिक्कत नहीं हो। स्मार्ट कार्ड के आधार पर संबंधित बैंक लोन भी मुहैया करा रहे हैं, ताकि उन्हें भविष्य में लोन वापसी में कोई समस्या ना हो। सिटी मिशन मैनेजर संतोष कुमार ने बताया कि जल्द से जल्द शेष लाभुकों को खाते में 10,000 रुपये पहुँच जाएंगे। गरीबों को ग्रीन कार्ड पर 1 रुपया में मिलेगा राशन, जानिए कहाँ और कैसे आवेदन करना है। राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को राज्य सरकार ग्रीन राशन कार्ड बनाकर 1 रुपया प्रति किलो अनाज देगी। ग्रीन कार्ड के प्रति यूनिट 5 किलो अनाज मिलेगा। 15 नवंबर से सरकार इस योजना का लागू करेगी। इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड से वंचित गरीब परिवारों को ही मिलेगा। इसके लिए नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा। 3 साल पहले तक राज्य में योजना से कार्डधारियों को राशन मिलता था। 2017 में सभी राशन कार्ड को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ दिया गया था। ग्रीन कार्ड के लिए लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा की थी। 2 अक्टूबर को शुरू हो रही है योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लिए अभियंताओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लिए सभी विभागों के अभियंताओं को 4-4 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी तारीख जल्द ही तय की जाएगी। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने डीसी को पत्र भेजकर सभी विभागों को इनकी जानकारी देने का निर्देश दिया है। पत्र में बताया गया है कि योजना
2 अक्टूबर को शुरू हो रही है। इसके तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों को कम से कम 100 दिनों का काम उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने शहर में ही सम्मान की जिंदगी गुजार सके। ऑनलाइन प्रशिक्षण में नगर निगम के अलावे भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ऊर्जा विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आदि के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता शामिल होंगे। इस प्रशिक्षण में अभियंताओं को श्रमिक योजना से संबंधित जानकारी दी जाएगी। बताया जाएगा कि किस तरह सड़क नाली समेत अन्य निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना है। बाबूलाल ने हेमंत पर बोला हमला, झारखंड को लूट तिजोरी भरने में लगा है मुख्यमंत्री का परिवार। अभी वर्तमान समय में राज्य में विधि व्यवस्था चौपट हो गई है। हर जगह हत्या, लूट, चोरी सहित अन्य आपराधिक घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। राज्य में रघुवर दास की सरकार के बाद उग्रवादी घटनाएं बढ़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद से अब तक 50 से अधिक उग्रवादी घटनाएं हो चुकी है। यह बातें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरंडी ने बोकारो परिसदन में संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में कही। उन्होंने कहा कि जगह जगह पर लोगों की हत्याएं हो रही है, मशीनों को जलाया जा रहा है। रघुवर दास की सरकार के कार्यकाल में जो उग्रवादी भाग चुके थे वे अब फिर से उग्रवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लॉकडाउन काल में कोरोना से लड़ने की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वह कहीं देखने को नहीं मिली। लोग विवश होकर अपने घरों में क्वारंटाइन हो रहे हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम के लिए सरकार ने जो इलाज की कीमत तय की है उसमें गरीब लोग अपना इलाज कभी नहीं करा सकते हैं। कहा है कि विकास का कार्य पूरी तरह से ठप है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार के लोग अपने खजाने को भरने में लगे हैं। झारखंड को विकास की पटरी पर बढ़ाना बड़ी चुनौती। कोरोना महामारी से तबाही की कगार पर पहुंच चुकी भारत की अर्थव्यवस्था से झारखंड भी अछूता नहीं है। आर्थिक गतिविधियों बंद होने के कारण राज्य में विकास योजनाएं लंबे समय से ठप पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे पर गंभीर रूप अख्तियार किया है और अपने मंत्रियों से साथ ही इस पर मंथन किया है। यह एक सराहनीय पहल है और शीर्ष स्तर पर विकास योजनाओं की गति तेज करने के मुद्दे पर विमर्श से नहीं उम्मीद बंधी है, लेकिन इसके साथ ही हकीकत यह है कि झारखंड संसाधनों की भयानक कमी से जूझ रहा है। राज्य सरकार के पास अपनी आमदनी बढ़ाने का कोई महज जरिया नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि विकास योजनाएं लागू कैसे की जाए और इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। नामांकन में अधिक ली गई राशि लौटाने का निर्देश जारी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी विश्वविद्यालयों को चांसलर पोर्टल से नामांकन के दौरान एक से अधिक बार शुल्क का भुगतान होने पर अधिक ली गई राशि विद्यार्थियों को लौटाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही नेटवर्क व अन्य समस्याओं को दूर करने को कहा है ताकि इस तरह की समस्याएं न हो। बता दें कि रांची विश्वविद्यालय में चांसलर पोर्टल में से ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया के दौरान कई विद्यार्थियों से एक से अधिक बार शुल्क की राशि कट गई। उच्च शिक्षा निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह ने अविलंब अधिक ली गई राशि विद्यार्थियों को लौटाने का निर्देश दिया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रेशन को दिया है। बाबूलाल नहीं लड़ेंगे दुमका उपचुनाव, बोले लेरू को हरा देगा भाजपा प्रत्याशी, संताल से बाहर सोरेन परिवार का जनाधार नहीं। झारखंड विधानसभा में विधायक दल के नेता को लेकर चल रहे गतिविरोध के मद्देनजर भाजपा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरंडी को दुमका विधानसभा चुनाव लड़ाने की अटलके पर विराम लग गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मरांडी ने कहा कि वे राजधनवार से विधायक हैं, ऐसे में दुमका से क्यों लड़े, हमें जनाधार भी साबित नहीं करना है। दुमका लोकसभा क्षेत्र में झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनकी पत्नी को पराजित कर चुका हूं। लेरू को हराने के लिए हमें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, भाजपा प्रत्याशी ही दुमका विधानसभा उपचुनाव में सोरेन परिवार के सदस्यों को हरा देगा। 70 साल के हुए पीएम मोदी, राष्ट्रपति, मंत्रियों व विपक्षी नेताओं ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 70 साल के हो गए हैं और उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं ने बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा, आपने भारत के जीवन मूल्यों व लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मनाए जाने पर राहुल गांधी बोले, रोजगार सम्मान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ट्विटर पर राष्ट्र बेरोजगारी दिवस ट्रेंड होने के बाद नौकरी मांग रहे 1 करोड़ लोग और उपलब्ध महज 1,77,000 शीर्षक वाली खबर शेयर की है।
उन्होंने कहा यही कारण है कि युवा आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने पर मजबूर है। रोजगार सम्मान है, सरकार कब तक ये सम्मान देने से पीछे हटेगी। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत बोले रेलवे और निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित होगी निजी ट्रेन। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने निकट भविष्य में ट्रेनों के निजीकरण की योजना की तारीफ करते हुए कहा यह रेलवे और निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा यह भारत में निजी बैंकों की शुरुआत के समान है। कई निजी कंपनियां बैंकिंग क्षेत्र में आई लेकिन इसमें SBI बंद नहीं हुआ। निवेश में रेलवे प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता बढ़ेगी, कुछ समय बाद किराए भी घटेंगे। LAC को लेकर रक्षा मंत्री बोले चाहे जितना कड़ा कदम उठाना पड़े भारत पीछे नहीं हटेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर जारी तनाव को लेकर गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि देश हित में चाहे जितना बड़ा या कड़ा कदम उठाना पड़े भारत पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा हमारे जवान चीनी सेना से आंख मिलाकर लड़ रहे हैं और सदन से उन्हें इसी हौसले को बढ़ाने का संदेश देना चाहिए। भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सदाशिव रावजी पाटिल का 86 साल की उम्र में निधन। भारत के पूर्व क्रिकेटर सदाशिव रावजी पाटिल का मंगलवार को कोलहालपुर में उनकी आवास पर निधन हो गया। एक टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सदाशिव ने 86 फर्स्ट क्लास मैच में 83 विकेट लिए और 866 रन बनाए। BCCI ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और उनकी क्रिकेट यात्रा को याद किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा को बनाएंगे बेहतर, शुरू से ही देंगे व्यावसायिक शिक्षा। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बनाने के लिए जहां स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी वहीं बच्चों को शुरू से ही कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए गठित स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक में शिक्षा नीति लागू करने के लिए 7 कार्य समूह बनाने का निर्णय किया गया है। अपर सूची सचिव आराधना शुक्ला ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 100% क्रियान्वयन कर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र मूल्यांकन और परीक्षा सुधार, शिक्षक क्षमता संवर्धन और भर्ती शिक्षा में तकनीकी कौशल विकास और व्यवसाय चुनने, छात्र सहायता प्रणाली और सुशासन कुशल संसाधन सहित 7 कार्य समूह गठित करने का निर्णय किया गया। अन्नपूर्णा योजना, 1 रुपये किलो में मिलेगा गेहूं, नमक और चावल, हर महीने 5 किलो अनाज। मध्य प्रदेश के 37 लाख परिवारों को होगा फायदा। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने प्रत्येक गरीब व्यक्ति को अनाज सुनिश्चित करने के लिए अन्नपूर्ण योजना के तहत उन्नयन उत्सव शुरू किया है। इस योजना के तहत राज्य के 37 लाख परिवारों को फायदा होगा जिनके पास राशन कार्ड मौजूद नहीं है। योजना में लाभार्थियों को 1 रुपये प्रति किलो कीमत पर चावल, गेहूं और नमक मिलेगा। हर लाभार्थी को 5 किलो अनाज प्रति महीने की उपलब्धता होगा। मोदी सरकार किसानों को दे रही है खेती के सामान और औजार खरीदने पर 80% की सब्सिडी, ऐसे उठाए लाभ। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। किसानों की परेशानी को दूर करने के लिए भारत सरकार कई योजनाएं लाई है। इसी कड़ी में सरकार ने किसानों के लिए स्माम किसान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को खेती के लिए औजार और उपकरण खरीदने में मदद कर रही है। इस पर सरकार 80% तक सब्सिडी दे रही है। केंद्र ने कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत राज्यों में 553 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बेरोजगारों ने सरकार से रोजगार पर किए सवाल। प्रशिक्षित BEd और MPed बेरोजगार संगठन ने रोजगार न मिलने पर घरों में रहते हुए काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार से रोजगार पर सीधा सवाल किए। गुरुवार को बेरोजगार ने अपने घरों से विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि 2006 से आज तक बेरोजगार विद्यालयों में नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन विद्यालय ने उनको मांगों को दरकिनार कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार प्रवासियों को रोजगार दिलाने में तत्परता दिखा रही है वहीं प्रशिक्षित बेरोजगारों की अनदेखी कर रही है। बेरोजगारों ने सरकार से सीधा सवाल करते हुए पूछा कि आज तक जितने बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार दिए हैं। RRB NTPC एग्जाम 2020 21 सितंबर से चेक कर सकेंगे रेलवे NTPC भर्ती का एप्लीकेशन स्टेटस। दिसंबर से शुरू होने वाले RRB NTPC भर्ती परीक्षा रेलवे भर्ती बोर्ड अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन ने RRB ने घोषणा की है कि NTPC भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार 21 सितंबर से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर पाएंगे।
ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्क्रूटनी पूरी हो चुकी है। अब 21 सितंबर को उम्मीदवार यह चेक कर सकेंगे कि उनकी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई है या फिर रिजेक्ट कर दी गई है। उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन स्टेटस संबंधी RRBI की वेबसाइट पर जाकर 21 सितंबर से 30 सितंबर तक चेक कर सकेंगे। भारत के पूर्वी, दक्षिण और केंद्रीय हिस्सों में अगले 2 दिन तक तेज बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने 19 और 20 यानी अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश होने की संभावना जताई है। बंगाल की खाड़ी से उत्तर पश्चिमी इलाके में कम दबाव वाले क्षेत्र बन रहा है, जिससे ओडिशा, कर्नाटक के तटीय इलाकों में, केरल और अंडमान निकोबार में भारी बारिश की संभावना होनी है। SBI ATM से पैसे निकालने का बदला नियम, 10,000 से ऊपर की निकासी के लिए आज से OTP जरूरी। अगर आप भी SBI ATM या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। अब इसके ATM से 10,000 रुपए या अधिक की रकम निकालते समय दिन में भी OTP की आवश्यकता होगी। अभी तक रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक रकम निकालने पर OTP की जरूरत होती थी। अब यह व्यवस्था 18 सितंबर से देश भर में लागू हो रही है। बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को मोबाइल नंबर अपडेट कराने को कहा है। 11 अक्टूबर से बदल जाएंगे कोऑपरेटिव बैंक के कोड। यूनियन बैंक में विलय के चलते 11 अक्टूबर से कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को कोड बदलने जा रहे हैं। खाता नंबर, ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड में कोई बदलाव नहीं होगा, मगर मोबाइल बैंकिंग कोड, ई बैंकिंग कोड, IFSC कोड और MICR कोड में बदलाव होगा। यूनियन बैंक के कोऑपरेटिव बैंक में खाता धारकों के लिए इस बारे में निर्देश जारी किया है। इन सभी परिवर्तनों को मार्च 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। खाताधारक अपनी ब्रांच से इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।